नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में बिहार में विपक्षी दलों के कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए कमर कसने की बात। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने संक्रमितों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की फौज उतार दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे महामारी के इस समय में कोविड संक्रमितों का इलाज करें। राजद नेता ने 13 डॉक्टरों के नाम के साथ ही इनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी डॉक्टर टेली मेडिसिन के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे और उन्हें दवा बताएंगे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है कि RJD चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है, जो महामारी के इस दौर में मुफ्त में COVID-19 से जुड़े मामलों में कंसल्टेंसी देंगे और संक्रमण से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। संक्रमित मरीज इन डॉक्टरों से इनके हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जरूरतमंदों को निर्धारित समय पर डॉक्टर्स द्वारा टेलीमेडिसिन के जरिए मदद करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डॉक्टरों का नंबर और समय आप जान सकते हैं। कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में बनाया कोरोना पीड़ितों के लिए कंट्रोल रूम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कोरोना महामारी से पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कंट्रोल रूम की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिन कोरोना मरीजों तक सरकार की सहायता नहीं पहुंच रही है, उन्हें यथासंभव सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी ने कंट्रोल रूम का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम में 2 हेल्पलाइन नंबर 8294886978 तथा 0612226334 नंबर भी जारी किया है। ये नंबर 24 घंटे पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की सेवा में उपलब्ध रहेंगे। कंट्रोल रूम का प्रभारी युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार आशीष को बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,489 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि राज्य में कुल 1,01,063 सैंपल की जांच की गई है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।